धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें, डकैती की योजना बनाते 5 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 5 गोली, 1 स्कॉर्पियो, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल बरामद किया गया है। सभी की गिरफ्तारी सिंदरी थाना क्षेत्र से की गई है। आपको बता दें, SSP किशोर कौशल ने प्रेस को संबोधित कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सिंदरी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टीम गठित कर उपरोक्त अपराधियों को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। झरिया में एक डकैती का प्रयास हुआ था और उस प्रयास के दौरान एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस लगातार इस अभियान में जुटी हुई थी कि इसमें जो भी अन्य लोग शामिल हैं उन सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। इसलिए SDPO सिंदरी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर भी सहयोग कर रहे थे। ये लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से इसको फॉलो कर रहे थे और कल रात्रि में कुल मिलाकर के 5 अन्य जो इनके सहयोगी जो अभियुक्त हैं ये भी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। और इन 5 लोगों के अलावा इनके पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और जो गाड़ी उसमें प्रयुक्त हुई थी डकैती करने के लिए वो स्कॉर्पियो भी इनके पास से, वो गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और जो मोबाइल फोन्स का यूज़ किया गया था वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 5 में से 4 का स्पष्ट तौर पर गंभीर आपराधिक इतिहास पहले से भी रहा है, जो कि लूट, डकैती, चोरी जैसे जो संपत्ति मूलक अपराध हैं खासतौर पर, उसमें ये लोग शामिल रहे हैं। इन लोगों का